अरमान ने मांगी अबीरा से माफी। जी हाँ दोस्तों, कमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि माधव और विद्या के बीच अबीरा की वजह से फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी है, और यह देखकर अरमान को बहुत अच्छा लगता है। वो अबीरा का हाथ पकड़कर अपने साथ किचन में लेकर जाता है और वो कस्टर्ड खाते हुए बातें करने लगते है। अरमान उसे माफी मांगता है घर में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए। वो अबीरा को सच बताता है कि संजय उसे फोर्स कर रहा है कोर्ट में ड्यूटी गवाही देने के लिए। अबीरा कहती है तो फिर तुमने क्या जवाब दिया। अरमान कहता है हमारे बीच जो भी है जैसा भी है लेकिन रिश्ता तो है, और मैं उसका दुनिया के सामने मजाक नहीं बनने दूंगा। भले ही मैंने तुम्हें परिवार के मामलों से दूर रहने को कहा था लेकिन मेरे लिए तुम उतनी इम्पोर्टेंट हो जितना मेरा परिवार। कोई तीसरा आकर हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बोल सकता। तुम बताओ अगर तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए तो मैं दादीसा से बात करूंगा। अरमान उसे रोकना चाहता था लेकिन अपनी फीलिंग्स को वो खुद नहीं समझ पा रहा। अबीरा जवाब में कहती है कि मैं इस घर में माँ पापा को मिलाने के लिए आई थी और अब मेरा काम खत्म हो चुका है। वैसे भी आज नहीं तो कल हमारा डिवोर्स तो होना ही है, तो जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। उन दोनों की यह सारी बातें दादीसा गेट पर खड़ी सुन रही थी। अब आगे यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अरमान अबीरा को डिवोर्स देने से रोकेगा या फिर नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।